ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं प्रदेश की ओर। बैजनाथ में स्वीप कार्यक्रम के तहत सहायक निर्वाचन अधिकारी रामेश्वर दास ने लोकसभा चुनावों में वोट डालने के लिए 100 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध मतदाताओं को घर जाकर प्रेरित किया। इन वृद्ध मतदाताओं को गुलदस्ता भेंट करके मतदान के प्रति प्रेरित किया गया ताकि वे 19 मई को जरूर अपना मत का प्रयोग करें। बैजनाथ में स्वीप कार्यक्रम के तहत सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम बैजनाथ रामेश्वर दास ने लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध मतदाताओं के घर जाकर उन्हें प्रेरित किया, जिसमें जौंडाराम जिनकी आयु 102 वर्ष निवासी रजोट तथा प्रभी देवी जिनकी आयु 101 वर्ष निवासी ठारा शामिल रही। इन वृद्ध मतदाताओं को गुलदस्ता भेंट कर मतदान के प्रति प्रेरित किया गया तथा 19 मई को जरूर अपना मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर नोडल अधिकारी कल्याण ठाकुर, निर्वाचन कानगो सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम रामेश्वर दास ने बताया कि बुजुर्ग मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही युवाओं को भी मतदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है, जिसके लिए एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन बैजनाथ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जा रहा है। ये मैच आईटीआई एवं बैजनाथ युवक मंडल के बीच आयोजित किया जाएगा। आज हम विलेज ठारा में गए और वहां पे परभी देवी जिनकी आयु 94 वर्ष से ऊपर है, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायतों के मुताबिक मतदान करने के लिए 19 मई को अपना मतदान करने के लिए जाने के लिए आग्रह किया और उनका उनको सम्मानित किया गया। इसी तरह से आज श्री थोडाराम, ये रिजोर्ट के निवासी हैं, इनकी आयु 102 वर्ष है और इनको मतदान करने के लिए 19 मई को आग्रह किया गया और स्वीप के कार्यक्रम के अंतर्गत सभी वोटर जिनकी आयु 90 से 100 वर्ष के बीच है उसमें उनको वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अम्मा जी कितनी उम्र होगी तुसा दी? मेरी उम्र तो हां लाई दे जा 100 साल होगी? 100 ना हां 90 साल कितनी होगी? अच्छा 90 अम्मा कितनी बारी वोट पाए तुम? मते वोट पाए ना जो गड्डी गड्डी होगी अम्मा जी स्याही भी लवाने हथे पर वोट पाई के हां